करंट समय के अकॉर्डिंग एप्पल इंक ने अपने हाथों में 191,831,000,000 कैश रखे हुए हैं। वेल, एप्पल ब्रांड को माइंड में रखकर यदि आपको लगता है कि ये अमाउंट काफ़ी है, आफ्टर ऑल एप्पल है, तो यू आर काइंड ऑफ राइट, बट दिस अमाउंट इज़ नॉट। लास्ट ईयर एप्पल के पास इस $191.83 बिलियन से 7% ज़्यादा कैश ऑन हैंड था। एंड एप्पल की तरह ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हाथों में $137.98 बिलियन रखे हुए हैं। गूगल ने $121.08 बिलियन एंड अमेजोन के पास $71.77 बिलियन कैश मौजूद है। इन कंपनियों के फाउंडर्स के पास इतना कैश मौजूद होना तो समझ में आता है, बट ये कंपनियां पेपर पर तो काफ़ी रिच हैं ही, लेकिन रियलिटी में भी इन कंपनियों के पास काफ़ी कैश मौजूद है, जिसका क्वेश्चन ओनली वन डायरेक्शन की ओर ले जाता है, विच इज़ ये कंपनियां इतना कैश कहां पर रखती हैं, एंड इतना कैश एक जगह पर रखने के बाद भी इनके पैसों की सेफ्टी का ख्याल कौन रखता है। कुछ लोगों के लिए इस तरह की मनी रिलेटेड वीडियोस थोड़ी बोरिंग हो सकती हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए ओनली मनी इज़ मोर इंटरेस्टिंग, बट ट्रस्ट मी, मे बी फ्यूचर में आप इन सभी स्ट्रेटजीज़ को अच्छे से इन अ राइट वे यूज़ कर सकें। वेल, आप सभी लोगों ने YouTube पर इतना टाइम तो स्पेंड कर ही लिया होगा कि आपको एप्पल, अमेजोन जैसी टैक्स सेविंग कंपनियों के बारे में पता चल ही गया होगा, और जिन्हें नहीं पता, एप्पल अपनी एग्जिस्टेंस के काफ़ी लंबे समय से अपने कैश को आयरलैंड में रखता आया है, ताकि वो आयरलैंड के टैक्स बेनिफिट का आनंद ले सके। इवन ऐसा करने वाली कंपनी केवल एप्पल नहीं है, बल्कि 1980s के समय से वेरियस कंपनीज ऐसा ही करती आई हैं, जिस कारण आयरलैंड कई कंपनियों के लिए फेवरेट जगह बन गया है, जो एवरी ईयर गवर्नमेंट की नज़रों से बचते बचाते हुए नॉट ओनली बिलियंस बट थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ कैश आयरलैंड में एनुअल बेसिस पर जमा करते हैं। बट ऐसा करने के लिए ये कंपनियां किसी भी तरह के मेथड या फिर सीक्रेट स्विस बैंक अकाउंट को यूज़ नहीं करते। टेक कंपनीज अपने हार्ड अर्न मनी को किसी की नज़रों से छिपाते हुए नहीं, बल्कि ऑफिशियल्स की जानकारी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, जो एक तरह का लूप होल है, जिसे नाम दिया गया है डबल आयरिश विद द डच सैंडविच। इस तरह के लूप होल की एग्जिस्टेंस और मिसयूज़ के बाद भी आयरलैंड के लॉ मेकर्स इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। भले ही ये लूप होल रॉन्ग जरूर लगता है, बट इसकी मौजूदगी ही इसके लीगल होने का प्रूफ है। बट इस तरह के लूप होल को फाइंड करना एंड इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाता है, फॉर एग्जांपल एप्पल, फर्स्ट ऐप है अपनी मनचाही कंट्री में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना। एंड एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को 1980 में ओपन करने के लिए आयरलैंड में मौजूद कॉर्क नाम की जगह को चूज किया। बट एक काम जो एप्पल ने हर्षद मेहता से बेहतर किया, वो है आयरलैंड में एक रियल एंड लेजिटिमेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करना, जो इवेंचुअली एप्पल के लिए यूरोपियन हेडक्वार्टर्स बन गया, जहां पर आज की डेट में 6,000 से भी ज़्यादा एप्पल एम्प्लॉय काम करते हैं। बट इस एचक्यू में काम रिसर्च, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक प्लानिंग के बिना होता है, जो इस जगह पर चल रहे काम को थोड़ा डाउटफुल जरूर बना देता है। और यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज अपने काम को लेकर कुछ ऐसे क्लेम्स करते हैं जो सुनने में थोड़े स्केची लगते हैं, लेकिन एक बात है, ये कंपनियां ऐसे लूप होल्स को इस तरह से यूज़ करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, जिसमें एप्पल काफ़ी बेटर है, जिसे हम नॉर्मल लोगों को समझने में काफ़ी समय लगेगा, जो मे बी फ्यूचर वीडियो का टॉपिक हो सकता है, सो स्टे ट्यून। बट जिन लोगों को ये लूप होल्स समझ में आ गए हैं, उनका कहना है कि एप्पल अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मैक्सिमम अमाउंट आयरलैंड में ही रखता है। अनदर एग्जाम्पल, एप्पल पब्लिक की नज़रों में अपने म्यूजिक की डेवलपमेंट के लिए यूरोप में मौजूद एसक्यू को 20% क्रेडिट देता है, जिसका मतलब है एप्पल म्यूजिक की रेवेन्यू का 20% एप्पल यूरोप को जाता है, जबकि एप्पल म्यूजिक की फुल रेवेन्यू एप्पल के मेन हेडक्वार्टर्स यानी कि एप्पल नॉर्थ अमेरिका को दिया जाना चाहिए, बट एप्पल ऐसा नहीं करता। इंस्टेड एप्पल का कहना है कि उनकी डेवलपमेंट में एप्पल यूरोप एंड एप्पल नॉर्थ अमेरिका ने मिलकर काम किया है, इसलिए एप्पल म्यूजिक से जनरेट होने वाली रेवेन्यू का 50% एप्पल यूरोप को देना नेसेसरी है। इस तरह एप्पल नॉर्थ अमेरिका को केवल इतना ही रेवेन्यू मिलता है जो उनके एक्सपेंसेस को बराबर करे और थोड़ा ही प्रॉफिट जनरेट करे। एंड इस तरह से एप्पल अपने मैक्सिमम रेवेन्यू को आयरलैंड में मौजूद एप्पल के हेडक्वार्टर्स के नाम पर भेज देता है, जो किसी के लिए भी अपने प्रॉफिट को माइंड में रखकर काफ़ी सही डिसीजन एंड स्मार्ट मूव लगता है। सो इस तरह से एप्पल यूरो सबकी नज़रों में आए बिना किसी काम के 100% प्रॉफिट का बेनिफिट इंजॉय करता है। लास्ट ईयर एप्पल का इनकम मार्जिन ओनली 20.9% था, एंड इस मार्जिन में से ज़्यादा रॉयल्टी को लीगली क्लेम करने के लिए एप्पल यूरोप को केवल 10 या फिर 15% मार्जिन की ही ज़रूरत थी। इस तरह की स्ट्रेटजी को यूज़ करके एप्पल 1980 के समय से ही मोस्ट प्रॉफिट में रहा है, जिस कारण एप्पल नॉर्थ अमेरिका ने टैक्स बिल में काफ़ी डॉलर सेव किए हैं। बट गवर्नमेंट की नज़रों में सेफ रहने के लिए इन्होंने टाइम टू टाइम फेयर अमाउंट ऑफ टैक्स मनी भी पे किया है। इवन लास्ट ईयर 2020 में एप्पल ने अपने प्रॉफिट का 14.4% टैक्स पे किया है, बट ओनली अमेरिकन गवर्नमेंट को नहीं, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट को। वेल, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सुनकर मे भी आपको अच्छा लगे, बट जिस लूप होल के मज़े एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनीज ले रहे थे, उस लूप होल को हाल ही में बंद कर दिया गया है।
हालांकि आयरलैंड अभी भी एप्पल को अपना पैसा डॉलर्स उनकी कंट्री में भेजने से नहीं रोक सकती, बट आयरलैंड अपनी कंट्री के लॉज में कुछ चेंजेस जरूर कर सकती है। बिकॉज एप्पल जैसी टेक कंपनियों के साथ साथ आयरलैंड खुद अपनी कंट्री में अपने पैसे को मूव कराकर अपने ही लॉस के लूपहोल को अपने बेनिफिट में यूज़ कर रही थी। टेक कंपनियां अपने पैसे को आयरलैंड में इसलिए भेजा करती थी ताकि वो अपने पैसे को टैक्स बिल से बचा सकें, नॉट टेक्निकली, बिकॉज ऐसी कंपनियों को आयरलैंड में भी टैक्स पे करना पड़ता था, बट ये टैक्स इन कंपनियों के ओरिजिन कंट्री से काफ़ी लेस था। एंड जब किसी की कंट्री में इतनी बड़ी कंपनियां जाने के लिए मोर देन एक्साइटेड होती हैं तो ऐसी सिचुएशन में सभी का प्रॉफिट होता है। इस तरह के फेवरेबल टैक्स लॉस के कारण आयरलैंड फ्यूचर में भी वेरियस कंपनीज को अट्रैक्ट करता आया, जिस कारण यूरोपियन कमीशन ने इसके अगेंस्ट आयरलैंड को अक्यूज करना शुरू कर दिया ताकि आयरलैंड अपने टैक्स लॉज में चेंजेस लाए। एंड 2015 में एक लेजिस्लेशन को पास किया गया जिस कारण फ्यूचर में आयरलैंड में सेटअप होने वाली कंपनियों को पहले की तरह इस लूपहोल का बेनिफिट नहीं होने वाला था, जिससे पास में वेरियस कंपनियों के लिए आयरलैंड उनकी फेवरेट जगह बन चुकी थी। बट ये लेजिस्लेशन ओनली न्यू कंपनियों पर ही अलाउड था, मीनिंग आयरलैंड में पहले आई कंपनियों को स्टिल आयरलैंड से बेनिफिट होने वाला था, जो 2020 में सबके लिए सेम हो गया। एंड इसके साथ ही यूरोपियन कमीशन ने एप्पल को $15 बिलियन का टैक्स यूरोप को देने की डिमांड की। ये डिमांड एप्पल के द्वारा लास्ट 6 मंथ्स में सेव किए गए पैसों जितना ही था, बट जिसके पास जितना पैसा उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के उतने ही तरीके होते हैं, इसलिए एप्पल ने इस टैक्स डिमांड को अवॉइड करने के लिए ये फॉल्ट आयरलैंड के सिर डाल दिया और क्लेम किया कि ये एप्पल का फॉल्ट नहीं है। एंड में एप्पल को ये $15 बिलियन का टैक्स यूरोप को नहीं देना पड़ा, बट ऐसे डिमांड एंड इवेंट के बाद भी एप्पल ने अपने पैसों को अमेरिका में नहीं आयरलैंड में ही रखना प्रीफर किया, जो टाइम के साथ रिवेन्यू में इंक्रीज होता रहा। एंड 2010 में फर्स्ट आईफोन सेल के बाद ये नंबर और भी इंक्रीज हो गया, जिसके बाद एप्पल अब पूरी तरह से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में स्टेबल हो गया था, बट ओनली इन आयरलैंड, क्योंकि एप्पल अभी भी टैक्स बचाने के लिए US गवर्नमेंट की नज़रों में एक लेस प्रॉफिटेबल कंपनी थी, जिसके पास एक्सपेंसेस में बस थोड़ा ही एक्स्ट्रा कैश रिवेन्यू ही सेव होता था। टैक्स में पैसे सेव करने के बाद एप्पल आयरलैंड में रखे पैसों से खुश तो था, बट अभी भी एप्पल अपनी ड्रीम पोजीशन को अचीव नहीं कर पा रहा था, जो ओनली अमेरिका में रखे हुए लेस पैसों के कारण रुका हुआ था, जिस कारण एप्पल अमेरिका में न्यू ऑफिस स्पेस को बिल्ड नहीं कर पा रहा था। तभी 2017 में अमेरिका ने कॉरपोरेट टैक्स को 35% से 21% ड्रॉप कर दिया, जिसने एप्पल को अपने सेव किए हुए पैसे को आयरलैंड से अमेरिका में लाने की एंडलेस अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी। एंड ये वही ईयर है जब एप्पल ने $5 बिलियन के अपने एप्पल पार्क के दरवाजे पब्लिक के लिए ओपन किए, जिसके बारे में आपको फ्यूचर में एक वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। 2017 के एंड में IRS टैक्स पॉलिसीज में चेंजेस के बाद एप्पल ने अपना मोस्ट ऑफ द कैश US में ही रखना शुरू कर दिया, बट अभी भी एप्पल सेम लूप होल को US में भी यूज कर रहा है, जिसके लिए एप्पल ने इस बार न्यू जर्जी के पास ही मौजूद एक आइलैंड को यूज करने का प्लान बनाया है, जहां अभी भी किसी भी तरह का कॉरपोरेट टैक्स देना नहीं पड़ता। सो इस तरह से एप्पल अपने कैश को एक जगह से दूसरी जगह टैक्स सेव करने के लिए मूव कराता है, ताकि एप्पल को कम से कम टैक्स पे करने पड़े। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।